नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। जांजगीर चांपा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमनीडीह और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारागांव का कलेक्टर यशवंत कुमार ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और चिकित्सकों को सस्ती जेनरिक मेडिसिन का ही सेवन करने, मरीजों को परामर्श देने के लिए कहा। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी पंजी का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड की संख्या कम होने की वजह से ओपीडी संख्या बढ़ाकर 30 बेड करने के निर्देश दिए। पैथोलॉजी लैब में सभी प्रकार की जांच की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जिला प्रशासन द्वारा ऑटो स्टेलाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। डीएनएक्स टीवी के लिए जांजगीर चांपा से लक्ष्मीकांत बरेठ की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज निरीक्षण किया है और पीएचसी भी निरीक्षण किया है, सारा गांव का निरीक्षण किया है और जगह भी देख रहे हैं। तो अभी तक काफ़ी अच्छी स्थिति पाई गई है। डॉक्टर्स यहां पे अवेलेबल हैं और ओपीडी भी अच्छा है, आईपीडी भी अच्छा है, परंतु कुछ मुझे यहां पे खास करके यहां के सीएचसी में वार्ड की कमी नज़र आई है। तो यहाँ पर 10 बेड का वार्ड और बढ़ाएंगे ताकि जनता को और अधिक सुविधा हो यहाँ पर। तो 10 बेडेड वार्ड और बढ़ जाएगा तो और इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 30 बेड का ये हॉस्पिटल हो जाएगा पूरी तरीके से। और भी छोटी मोटी कमियां हैं और डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि वो यहां पर आउट। औचक निरीक्षण था आज का माननीय कलेक्टर महोदय जिला जांजगीर चांपा के द्वारा, और इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी हुई है लॉकडाउन के बाद, क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ स्टार्ट हो गई है पूरी तरह से, और इसलिए कलेक्टर महोदय और हमने जो है आज आकस्मिक और क्या कहते हैं औचक निरीक्षण आज बमनीडीह स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया। दस्ताएँ ठीक है और भी उसमें उत्तरोत्तर प्रयास की ज़रूरत है,